इस वीडियो हम देखेंगे क्रियू सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करते हैं तो उसमें अलग अलग एरिया का हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसका नाम क्या होता है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्रियू पार्ट मॉडलिंग इंटरफेस, तो ये हमारा क्रियू सॉफ्टवेयर है, तो उसमें अलग अलग जो एरिया है उसका नेम हमसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो एरिया है इस एरिया को हम बोलते हैं ग्राफिक एरिया, जहाँ पे हम क्या करते हैं कोई भी मॉडलिंग बनाना है, कोई भी पार्ट को असेंबल करना है, तो उसके लिए हम ये एरिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन प्लेन रहेगा, राइट, टॉप, फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट है, इस एरिया को हम बोलते हैं ग्राफिक टूल बार। इस एरिया से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जूम इन जूम आउट ऑब्जेक्ट को फिट कर सकते हैं ग्राफिक एरिया में, स्क्रीन में, और उसमें अलग अलग व्यूज देख सकते हो, और यहाँ पे प्लेन वगैरह आप हाइट अनहाइट कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे ग्राफिक टूलवर्स। इस एरिया को हम बोलते हैं क्रियू हेल्प, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे आप क्लिक करके क्रियू का कोई भी हेल्प चाहिए आप ले सकते हो। और ये पूरा एरिया को हम बोलते हैं रिवन, जहाँ पे पूरा कमान वगैरह रहते हैं। और टॉप वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार, जहाँ पे आप फाइल को सेव कर सकते हो, पुराना फाइल का ओपन कर सकते हो, अंडू रिंडो कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। और जो भी आप पार्ट बनाते हो ग्राफिक एरिया में और जो भी आपको हिस्ट्री मिलेगा वो आपको मॉडल ट्री में रहेगा, वहाँ पे आप जो भी काम किया, कौन सा कमांड यूज़ किया, कौन सा प्लान सिलेक्ट किया, उसमें आप पूरा डिटेल रहेगा कहाँ पे, मॉडल ट्री में। और इसको हम अलग अलग टैब बोलते हैं, उसको मॉडल टैब, एनालिसिस टैब, एनालिटिक, रेंडर, व्यू, इसको अलग अलग हम इसको टैब बोलते हैं। और नीचे जो एरिया है उसको बोलते हैं हम मैसेज एरिया। और यहाँ पे हम सिलेक्शन फिल्टर है, जहाँ से आप अलग अलग सिलेक्शन के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेगा। ये आपको क्रियू पार्ट मॉडलिंग का पूरा इंटरफेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।